हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले लेक्चर में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, हार्ट के बारे में पता किया था, कैसे हार्ट होता है, कैसे फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट? क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में दो पार्ट होते हैं प्लांट में, जो उसमें रोल प्ले करते हैं, एक जाइलम एंड सेकंड फ्लोएम। जाइलम में क्या क्या कंटेंट होता है जानकारी कर सकते हैं हम, ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये इन चार या फोर टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना हुआ होता है, से बोला जाता है जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या है, कैरी करना किसको, वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से, रूट से कहाँ के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये जो होता है ये याद रखना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। कौन करता है? जाइलम। याद रखना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड। क्लियर है? जाइलम के मैंने बताया क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फोर पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से। नंबर वन ट्रैकेट्स, नंबर सेकेंड जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इज दैट क्लियर? ये चार तरह के जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जाइलम में फंक्शन करती हैं, जिससे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में आपको देखने मिलेंगे वही फोर टाइप्स ऑफ सेल्स देखने मिलेंगी जो टिश्यू बना देती हैं। फ्लोएम जैसे बोल सकते हैं आप, सबसे पहले सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फोर टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जो रोल प्ले करती हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, या बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। इज दैट क्लियर? फूड के लिए, मटेरियल के लिए जो ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज किया जाता है ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है उसको। जो वाटर मंडल, उसको एसेंट ऑफ सेप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, वाटर मंडल जो कैरी होता है दे रखता है इसका, ये आपको याद रखना है। फ्लेम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शन मतलब कई डायरेक्शन में, ये अपवर्ड भी फ्लो करता है, डाउनवर्ड्स मतलब रूट को भी फूड सेंड करता है, कैरी करता है, और अपवर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैरी करता है। ठीक है, ऑन फ्लोएम याद रखोगे, फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखने को मिलता है फ्लोएम जो होता है क्या कैरी करता है, फूड करता है, कहाँ पर बनता है, फूड लीव्स में बनता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद हम एसेंट ऑफ शेप, नेक्स्ट वर्ड आता है एसेंट ऑफ शेप। क्या होता है, एक वाटर मिनरल्स जो होते हैं कैरी होते हैं कहाँ से, वही बात आ जाती है, रूट एयर, रूट कहाँ को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसे क्या बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप बोल देते हैं। इसमें दे भी रखा है द अपवर्ड मूवमेंट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट्स पार्ट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ शेप। ठीक है, इस एसेंट ऑफ शेप के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एसेंट ऑफ शेप करना है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करना है, कुछ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, वाटर जो होता है कहाँ से एंटर करता है, या आपको पता ही है सॉइल से आता है, कहाँ पर आता है, रूट एयर में, लेकिन उसको प्रोसेस किसके द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, प्रेशर बनता है। ठीक है ना, उसके द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, एंटर कर जाता है रूट एयर में। वो मैं आपको डायग्राम में बताऊँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चलता है। ठीक है, सेकेंड है कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी रिएक्शन जो होता है, वाटर जो होते हैं अट्रैक्ट होता है किस पर, एक सॉलिड पार्ट में सकते बोल सकते हैं कैपिलरी, जो प्लांट में जो स्टेम में देखी जाती है कैपिलरी जो देखी जाती है उस पर, वो क्या करते हैं अट्रैक्शन ऑफ कैपिलरी विद अलोंग विद वाटर, जब उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तभी वो क्या करेगा, मूव करेगा वाटर किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। याद रखना है, आप जब देखोगे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कैपिलरीज के साथ, जो क्या करते हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना, वाटर मूव करता है। ठीक है, अपवर्ड ऊपर की तरफ। ठीक है, ये अपोजिट फोर्स वर्क करता है, जैसे ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट में वर्क करता है। याद रखना, आपको पूछ लिया जाता है कि ग्रेविटी के अपोजिट में वर्क फंक्शन करता है कौन, कैपिलरी एक्शन। इसके बाद एडहेशन, कोहेशन और वाटर मॉलिक्यूल। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं
नीचे से ऊपर जाएंगे, लेकिन उनमें कोई ना कोई वाटर मॉलिक्यूल में कोई फोर्स बनता है या कोई बाइंडिंग होती है, जिसे हम बोल सकते हैं एडहेशन एंड कोहेशन। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड करते हैं, ठीक है ना। और बाइंड जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे से बाइंड होंगे तो वो जो होती है उनकी चेन जो होती है वो ब्रेक नहीं होती, जिसके कारण भी होता है वो फ्लो कंटिन्यूस होता है। कहाँ तक, हाई ऑफ द प्लांट, लास्ट हाइट जो होती है उसके प्लांट की, वहां तक वो कैरी होता है वाटर, क्योंकि वो चेन नहीं टूटती, इसकी वजह से कोहेशन एंड अडहेशन की वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आप जानते हो, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, याद रखोगे, फ्रॉम द स्टोमेटा एंड लेंटिकल से जो वाटर लॉस होता है उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, याद रखना, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, लिप्स में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, लिप्स में होते हैं। स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, लिप्स में होते हैं, फ्रॉम द स्टोमेटा। और लेंटिकल्स बोल सकते हैं, लेंटिकल्स होते हैं आपको स्टेम में देखने मिलते हैं, क्लियर। यहाँ से जो वाटर होता है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर की फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन कोड होता है, एक वर्ड जो ट्रांसपिरेशन से ही बनता है। कैसे, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उसमें जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, आउट हो जाता है लिप से, स्टोमेटा से, ठीक है। लेकिन उसको क्या करने के लिए, उसको नीचे से ऊपर लाने के लिए ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल, जिसमें देखा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर कॉलम फ्रॉम द जाइलम ट्यूब। जो जाइलम ट्यूब होती है उसमें वाटर कॉलम जो होती है उनको क्या करती है, सक करती है, एक दूसरे से खींचे हुए चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे जैसे वाटर पास होगा वो नीचे से एक दूसरे की, जो वाटर कॉलम है एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, खींचे हुए चलेंगे, और वो क्या होगा ऊपर की तरफ, जैसे जैसे नीचे ऊपर से वाटर पास होता चलेगा नीचे नीचे से वाटर आता चलेगा, जैसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, क्लियर है। ये चार फैक्टर है पूछ लिया थे, जो इसमें एसेंट ऑफ चेंज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में, सॉरी इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या देखा जाता है। क्या देखा जाता है, रूट प्रेशर, कैपिलरी रिएक्शन, एडहेशन, कोहेशन और ट्रांसपोर्टेशन पुल, याद रखना ये चार होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जानते हो कैसे जाता है भाई, लीफ से बनेगा, लीफ से बनने के बाद में फ्लोएम में आएगा, फ्लोएम से क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रुप होगा, ठीक है ना, क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या है, पहले इसकी स्ट्रक्चर जान लेते हैं, कैसे कैसे कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। सबसे पहले देखो इसमें रूट हेयर होते हैं, आप जानते ही हो, रूट हेयर जो होते हैं वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस में पहले बता चुका हूँ, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें एक आउटर लेयर होती है, इस तरीके से आउटर लेयर जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, ये हो गई एपिडर्मिस, ये सॉइल पार्टिकल है। यहाँ से क्या होगा, वाटर जो होगा मूव करेगा, कहाँ पर करेगा, रूट एयर में, क्लियर है। ये क्या है, रूट एयर, क्लियर है, ये है रूट एयर। एपिडर्मिस पहुंचा, एपिडर्मिस के बाद आपको देखने मिलेगा कहाँ पर, कॉर्टिकल रीजन, जैसे बोल सकते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, क्लियर है। ये है आपका कॉर्टेक्स, इस तरीके से कॉर्टेक्स जो होती है होती है, ठीक। कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, फिर मूव करेगा वाटर, कॉर्टेक्स से कैसे निकलेगा, दो प्रोसेस याद रखना, दो चीजें होती हैं, एक होता है सेरेब्रोस्पाइनल और एक होता है एपोप्लाज्म, ठीक है। एपो मतलब कि जो वॉल होती है, ये वॉल नहीं होती है, इस तरीके जो वॉल होती है उनके बीच से निकले हुए निकलेगा वाटर मिनरल्स, और सेरेब्रोस्पाइनल क्या होता है, इन दोनों के बीच में सेल के साइटोप्लाज्म से होते हुए निकला, कौन सा, सिम्प्लाज्म, ठीक है। सिम्प्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म से होते हुए सेल के और ये साइड से होते हुए सेल के, ठीक है। इसमें कुछ चैनल होते हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा,
अगर इन दोनों सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा दो सेल्स के बीच में, तो उसमें एक चैनल बनेगा, बोल सकते हैं चैम्बर होगा, जैसे बोला जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, जिसमें क्या होता है मटेरियल ट्रांसफर होता है वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, इसके बाद आता है एंडोडर्मिस। क्या आता है एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा, इस तरीके से वाटर आया पहले होके यहाँ पहुंचा, इस तरीके से यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, बी सेल से निकलेगा और इधर से निकलेगा। ठीक है, एंडोडर्मिस पहुंचा, एंडोडर्मिस से कहाँ पहुंचा, पेरिसाइकिल में देखने मिलता है, इसमें पेरिसाइकिल में देखने मिलता है, इसमें पेरिसाइकिल पहुंचा और पेरिसाइकिल के बाद कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचा है इधर से होते हुए पेरिसाइकिल, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गया, ये पेरिसाइकिल हो गया। इसके बाद जो आएगा वो आएगा दो फॉर्म होंगी, एक फ्लोएम की होगी और एक जाइलम की। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, फ्लोएम और जाइलम होंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से निकलेगा कहाँ पर जाएगा, ये वाटर जो होगा वो कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा, कहाँ पर जाएगा, जाइलम में। और जाइलम से जब वो पहुंच जाएगा तो जाइलम एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी जाइलम वेसल्स जो होती हैं और ट्रैकेज जो होती है वो सपोर्ट करती हैं उसको, वाटर को मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण वाटर जो होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट मूव करता है, कहाँ से, रूट से। इस रूट जो होती है ये रूट एयर है, जब रूट एयर में किस तरीके से पहुँच जाता है और जाइलम के द्वारा क्या होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाटर जो होता है मूव कर जाता है। क्लियर है, और मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर बात करते हैं चैनल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर सेल से बीच में सेल जो होती है दोनों के बीच में, इंटर सेल और उनका दोनों के बीच में, तो वहाँ क्या देखने मिलेगा आपको, वहाँ देखने मिलेगा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए वो एक सेल से दूसरी सेल, मैंने प्रोसेस बता दी, तो पाथवे होते हैं, तो पाथवे कौन कौन से, एक्टोप्लास्ट और एक एक्टोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट मतलब बॉल से होते हुए निकलता है और सिम्प्लास्ट मतलब कहाँ से होते हुए निकलता है, साइटोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसकी बात करके तो रही किस तरीके से वाटर मूव करता है, तो मैं ट्रांसपोर्ट किस्म मैंने आपको बताई दिया, ट्रांसपोर्ट किस्म क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, या बोल सकते हैं कैरी ऑफ द फूड, कहाँ से, फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूड रूट एयर, रूट क्लियर। इस तरीके से जो होता है जो मूवमेंट होता है किसका, फूड का, उसे ट्रांसपोर्ट किस्म भी कहा जाता है, पता है चल गया आपको ट्रांसपोर्ट किस्म। इसके बाद फंक्शन क्या है, देखो इसको ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का सीधे फंक्शन है, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल सब्सटेंस, और सेकंड फंक्शन है रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट या मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, क्योंकि अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्लियर, इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे वो एक्सटेंशन आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर?